हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप सीरीज का अगला लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के जरिए हम चाइना का डेजर्ट देखेंगे। दोस्तों, चाइना में जो भी इंपॉर्टेंट डेजर्ट आते हैं उनको देखेंगे। उसके अलावा हम रिवर देखेंगे चाइना की, और उसके अलावा हम चाइना का आज क्लाइमेट भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, चाइना में आपको पता है यहाँ पे टकलामकान डेजर्ट है। यहाँ पे गोबी डेजर्ट आपको दिख रहा है। गोबी डेजर्ट जो है मंगोलिया और चाइना में आता है दोस्तों, ठीक है। तो दो ये इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले टकलामकान डेजर्ट के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये जो डेजर्ट है साउथ वेस्ट जिंगजियांग इन नॉर्थ वेस्ट चाइना में स्थित है दोस्तों, याद रखिए। इट इज बाउंडेड बाय कुनलुन माउंटेन्स टू द साउथ। तो इसके साउथ में दोस्तों कुनलुन माउंटेन्स है इस टकलामकान डेजर्ट के, द पामीर माउंटेन्स एंड द तियानशान टू द वेस्ट एंड नॉर्थ। तो पामीर माउंटेन जो है वेस्ट में है और तियानशान जो माउंटेन है वो इसके नॉर्थ में है। इसके अलावा गोबी डेजर्ट जो है इसके ईस्ट में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। देख लेते हैं, आप देख लीजिए दोस्तों, ये रहा टकलामकान डेजर्ट, यहीं पे है दोस्तों तियानशान माउंटेन। क्या? तियानशान माउंटेन। यहाँ पे पामीर माउंटेन है, यहाँ पे दोस्तों कुलुनशान। क्या? कुलुनशान माउंटेन है। और यहाँ पे वेस्ट में तो आपको दिख रहा है, सॉरी ईस्ट में दिख रहा है आपको दोस्तों, क्या दिख रहा है? गोबी डेजर्ट। देख लीजिए दोस्तों, ये रहा तियानशान माउंटेन रेंजेस, ये रहा दोस्तों पामीर माउंटेन्स, ठीक है। और ये रहा दोस्तों क्या है? कुलुनशान। कुलुनशान यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है और यहाँ पे गोबी डेजर्ट है। आप देख सकते हैं पामीर जो माउंटेन्स है वो तजिकिस्तान आते हैं, तजिकिस्तान और चाइना में आती है दोस्तों। यहाँ पे किर्गिस्तान है, ऊपर क्या है दोस्तों? कजाकिस्तान है। तो आई होप आपको टकलामकान डेजर्ट की जो लोकेशन है वो क्लियर हुई होगी दोस्तों। नीचे क्या है? तिब्बतन प्लेटू है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, ये रहा टकलामकान डेजर्ट, ऊपर तियानशान है, यहाँ पे कुलुनशान है, यहाँ पे पामीर माउंटेन रेंजेस है और यहाँ पे ये रहा गोबी डेजर्ट, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, वो है गोबी डेजर्ट। क्या है दोस्तों? गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट बेसिन ऑफ द गोबी आर बाउंडेड बाय अल्ताई माउंटेन्स एंड ग्रासलैंड्स एंड स्टेपी ऑफ मंगोलिया ऑन द नॉर्थ। तो याद रखिए यहाँ पे इसको बाउंड किसने कर रखा है? अल्ताई माउंटेन्स ने बाउंड कर रखा है। और यहाँ पे ग्रासलैंड स्टेपीज ऑफ मंगोलिया ऑन द नॉर्थ भी पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। द गोबी इज ओवरऑल अ कोल्ड डेजर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिए। गोबी डेजर्ट जो है हॉट डेजर्ट नहीं है बल्कि कोल्ड डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे ज्यादातर समय बर्फ जमी रहती है और काफी समय यहाँ पर स्नो भी हो जाती है दोस्तों, ठीक है। गोबी डेजर्ट इज अ रेन शेडो डेजर्ट। यहाँ पे रेन नहीं होती दोस्तों, रेन नहीं होती। क्यों? क्योंकि तिब्बतन जो प्लेटू है वो ब्लॉक कर देता है बारिश को इंडियन ओशन से आने से। जो भी इंडियन ओशन से मानसून आते हैं उनको तिब्बतन प्लेटू रोक देता है, जिसकी वजह से क्या है, वो भी डेजर्ट में कोई भी बारिश नहीं होती दोस्तों। आप फिर से मैप देख लीजिए, ये रहा गोबी डेजर्ट दोस्तों, ठीक है। एक और मैप देख लीजिए दोस्तों, ये रहा गोबी डेजर्ट, ठीक है। और यहीं पे क्या है? अल्ताई माउंटेन्स है दोस्तों। क्या है? अल्ताई माउंटेन्स ने इसको कवर कर रखा है। किसको? गोबी डेजर्ट को दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों, रिवर्स ऑफ चाइना। चाइना की इंपॉर्टेंट रिवर में पहली रिवर जो आती है यांगसे रिवर है दोस्तों। क्या नाम है? यांगसे रिवर दोस्तों। इसकी शुरुआत दोस्तों तिब्बतन प्लेटू से होती है। कहां से? तिब्बतन प्लेटू। और उसके बाद ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में बहती है और ये पूरी की पूरी चाइना में ही बहती है दोस्तों। याद रखिए यांगसे रिवर जो है पूरी की पूरी चाइना में बहती है। हाईएस्ट नेविगेबल रिवर इन चाइना, और ये सबसे हाईएस्ट नेविगेबल रिवर है चाइना में। कुछ इंपॉर्टेंट शहर दोस्तों जैसे कि शंघाई हो गया, वुहान हो गया, नानजिंग, ये सारे के सारे इसी रिवर के पास में लोकेटेड है दोस्तों। बाद में जो यांगसे रिवर है ये ईस्ट चाइना सी में जाकर मिल जाती है दोस्तों। चलिए इसको भी मैप पे देखते हैं दोस्तों। ये रही दोस्तों यांगसे रिवर, ये यहाँ पे क्या है दोस्तों? तिब्बतन प्लेटू है। और यहीं से यांगसे रिवर की शुरुआत होती है। चोंगजिंग, वुहान, शंघाई, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट शहर हैं इसी रिवर पे लोकेटेड हैं। और ये रहा दोस्तों ईस्ट चाइना सी, यहीं पे जाके मिल जाती हैं। और यहाँ पे येलो सी है। क्या है? येलो सी। ये साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया दोस्तों, ठीक है। ये बीजिंग यहाँ पे है। आप एक और मैप देख लीजिए दोस्तों, ये रहा तिब्बतन प्लेटू। तिब्बतन प्लेटू से शुरुआत होती है यांगसे रिवर की दोस्तों। और युचुंग, वुहान, शंघाई, नानजिंग, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो शहर हैं चाइना के इसी रिवर के बगल में लोकेटेड हैं दोस्तों, ठीक है। शंघाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली रिवर जो है इसका नाम है येलो रिवर। इस रिवर का एक और नाम है चाइना में जिसको हुआंग ही रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? हुआंग ही, येलो रिवर को ही कहते हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों क्विंघाई प्रोविंस से होती है जो कि चाइना के वेस्टर्न इलाके में है, ठीक है। वेस्टर्न इलाके में चाइना का प्रोविंस है जिसका नाम है क्विंघाई, यहीं से इसकी शुरुआत होती है।
उसके बाद ये दोस्तों वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहती है और इस रिवर का कलर दोस्तों येलो है, इसीलिए इस रिवर का नाम भी येलो है। क्यों कलर येलो है? क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, क्योंकि इस नदी में जो गोबी डेजर्ट है उसकी सैंड आकर मिल जाती है, जिसकी वजह से इस रिवर का कलर जो है येलो बन जाता है और इसी वजह से इस रिवर को येलो रिवर कहते हैं। बाद में दोस्तों ये बुहाई सी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। इसको भी मैप पर देखते हैं, ये रहा दोस्तों यहाँ पे क्विंघाई प्रोविंस है, किसका? चाइना का। क्विंघाई प्रोविंस से शुरुआत होती है इसकी येलो रिवर की, और यहाँ पे गोबी डेजर्ट है, ये मैंने बताया ना अभी गोबी डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट से ही होके यहाँ पे सैंड मिल जाती है जिसकी वजह से इसका कलर येलो हो जाता है, और बाद में यहाँ पे बुहाई सी है, क्या है? बुहाई सी यहाँ पे मिल जाती है और यहाँ पे येलो सी है। तो याद रखिए दोस्तों, इस रिवर येलो रिवर के ही ऊपर चाइना की राजधानी है जिसका नाम है बीजिंग, ठीक है दोस्तों, इसी के नॉर्थ में लोकेटेड है। एक और मैप देख लीजिए दोस्तों, ये रहा येलो रिवर की, ये रहा क्विंघाई प्रोविंस, ये जो प्रोविंस है दोस्तों ये है क्विंघाई प्रोविंस, तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है दोस्तों और यहाँ पे जाके ड्रेन हो जाती है दोस्तों, ये रहा बीजिंग शहर, ठीक है। एक और अच्छे से मैप देख लीजिए दोस्तों, आपको बार बार मैप दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए दोस्तों, ये रहा कुलून माउंटेन्स और ये रहा दोस्तों ये येलो रिवर, और यहाँ से शुरुआत होके बाद में बुहाई सी में गिर जाती है, ये रहा बीजिंग शहर दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों क्लाइमेट ऑफ चाइना। चाइना का क्लाइमेट जो है आप देख सकते हैं, एराइड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट थोड़ा यहाँ पे पाया जाता है, सेमी एराइड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट यहाँ है, हाईलैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, थोड़ा बहुत ठंडा है यहाँ पे, क्यों? यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू है। इसके अलावा कूल टेम्परेट पाया जाता है, ह्यूमिड मानसून विद कोल्ड विंटर्स भी पाई जाती है, सेमी एराइड मानसून क्लाइमेट टाइप भी पाया जाता है चाइना में, सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट विदाउट ड्राई विंटर्स भी पाया जाता है, इसके अलावा सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स भी यहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट थोड़ा बहुत भी पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। चाइना टाइप दोस्तों, चाइना में रेनफॉल जो है ज्यादातर थ्रू आउट ईयर होती रहती है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है, लेकिन होती रहती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे गर्मियां जो है काफी इंटेंस होती है, इंटेंस हीटिंग ऑफ सेंट्रल एशिया दोस्तों, सेंट्रल एशिया की वजह से, आपको पता है सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा रेगिस्तान वगैरह है, आप देख सकते हैं ना ये इस तरफ जो है सेंट्रल एशिया है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो इंटेंस हीटिंग है चाइना की तरफ भी आती है और इसलिए चाइना में काफी समर रहता है, ठीक है दोस्तों। साउथ ईस्ट मानसून भी आती है दोस्तों चाइना में, वहां से साउथ ईस्ट मानसून आती है, याद रखिए। सर्दियां में दोस्तों, इन विंटर नॉर्थ वेस्ट मानसून आता रहता है, सर्दियों में नॉर्थ वेस्ट मानसून भी चाइना फेस करता रहता है। आपको पता है साइबेरियन प्लेटू चाइना के नॉर्थ में, अगर चाइना का ये मैप है दोस्तों तो चाइना के ऊपर क्या है, साइबेरियन प्लेटू है, और साइबेरियन प्लेटू से हाई प्रेशर एंटी साइक्लोन भी चलते रहते हैं और वहां से ठंडी हवा भी बहती रहती है दोस्तों, ठीक है। आउटवर्ड्स एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून स्नोफॉल एंड रेन ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों जो है लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट भी चाइना में पाया जाता है, याद रखिए कैसा, लॉरेंशियन टाइप भी क्लाइमेट चाइना में पाया जाता है। मैंने बता चुका हूँ दोस्तों, चाइना में ज्यादातर पूरे साल बारिश होती रहती है, तो क्यों बारिश होगी, क्योंकि ज्यादातर समय का पीरियड रहता होगा। समर जो होते हैं बहुत ही ज्यादा इंटेंस हीटिंग करते हैं लैंड के एरिया में, जिसकी वजह से होता क्या है, रेनफॉल कहाँ से आती है, विंड फ्रॉम पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन आपको पता है चाइना के ईस्ट में है, ये देखिए दोस्तों फिर से देख लीजिए यहाँ पे क्या है, पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन से क्या आता रहता है दोस्तों, इंटेंस हीटिंग होती रहती है और रेनफॉल अभी होती रहती है, रेनफॉल वाली विंड जो होती है पैसिफिक ओशन से आती रहती है। सर्दियां दोस्तों, सर्दियों में दोस्तों चाइना में एंटी साइक्लोन कंडीशन भी बनती रहती है, क्यों? क्योंकि इन द हार्ट ऑफ एशिया, चाइना जो है हार्ट ऑफ एशिया कहलाता है और इसी वजह से यहाँ पे एंटी साइक्लोन कंडीशन बनती रहती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसिफिक ओशन है चाइना के इधर में, तो एंटी साइक्लोन कंडीशन बनती रहती है और वो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन की वजह से क्या होता रहता है, कोल्ड विंड बनती है और वो चाइना की तरफ बहती रहती है। और स्नोफॉल इन द माउंटेन्स एरिया में, और आपको पता है तिब्बतन प्लेटू वगैरह पाया जाता है चाइना में, तो जिसकी वजह से होता क्या है, स्नोफॉल वगैरह भी होती रहती है, क्या स्नोफॉल भी होती रहती है। आपको पता है ना तिब्बतन प्लेटू को थर्ड पोल कहा जाता है, थर्ड पोल क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है हमारे धरती के नॉर्थ पोल, ये ऊपर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इन यहाँ सबसे ज्यादा बर्फ पाई जाती है साउथ पोल और नॉर्थ पोल में, उसके बाद जो है दुनिया में सबसे ज्यादा जो बर्फ है तिब्बतन प्लेटू में पाई जाती है, इस वजह से जो है इसको थर्ड पोल दुनिया का कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों सीवर कोल्ड, यहाँ पे सीवर कोल्ड है, यहाँ पे भी कोल्ड पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी सीवर कोल्ड है ना, और यहाँ पे हॉट समर कोल्ड विंटर, इसके अलावा हॉट समर वार्म विंटर, और टेम्परेट पाया जाता है, टेम्परेट यहाँ पे
टेम्परेचर पाया जाता है, क्लाइमेट पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये रहा दोस्तों शंघाई शहर। दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में दोस्तों हम चाइना के इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को देखेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।